मैं चोरी छुपे मिस्टर हकी के कमरे में गई थी। पर आपने ऐसा क्यों किया माँ? हाँ, क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है कोमा में पड़ा हुआ आदमी कभी फुटबॉल मैच देख सकता है? नहीं देख सकता, क्योंकि वो कोमा में है। शायद उन्हें डॉक्टर ने ही कहा हो कि पेशेंट ऐसे ही रिकवर हो सकता है। हाँ, हाय सालिम, भोले पंछी, अक्ल नहीं है तो मुंह क्यों खोलते हो अब? हाँ, क्यों बोलते हो? चुप नहीं रह सकते? लेकिन माँ मेरी बात तो... चुप करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो सब लोग मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं। हो सकता है मिस्टर हक्की को होश आ चुका हो, लेकिन वो ये बात छुपा रहे हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, ऐसा क्यों करेंगे? कहा ना चुप रहो। मुझे क्या पता, शायद मिस्टर हक्की ने लोगों से बहुत सारा कर्जा लेकर रखा होगा, इसीलिए वो ये बात छुपा रहे हैं। तुम देमिर को इसी वक्त छोड़ रही हो बस। देमिर को छोड़ दूं? माँ देखिए, मैंने मिस्टर हक्की से वादा किया था। तुम्हें अभी भी वादे की पड़ी है? देखो बच्ची, मैंने आज डिनर के लिए हाँ क्यों कही थी। वो लोग इतने भी सीधे नहीं हैं जितना तुम उन्हें समझती हो। वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। माँ देखिए, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। देमिर निहायती लफंगा इंसान है। इस बात का पता मुझे तभी चल गया था जब उसने मिस्टर बरकान पर हमला किया था। जरा सोच कर देखो नील, उसने मिस्टर बरकान जैसे अच्छे इंसान पर हमला कर दिया तो तुम क्या चीज हो? इसलिए इसी वक्त तुम उस कंपनी से इस्तीफा दे रही हो, समझ गई? तेरे बिन नाशिकी।